अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी, आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है, आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। इसमें म्यूज़िक भी होगा, खाना भी होगा, सब चीज़ें होंगी। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी, आज मैं कहाँ आई हूँ? आज मैं आई हूँ गैरिजन ऑफिसर्स मेस में। तो आज मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। पहले इसकी खूबसूरती देखें आप, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बाहर से तो इतना हसीन बना हुआ है, और आप इसका ये देखें जो ओपन किचन है, यहाँ पे जो खाने बन रहे हैं, यहाँ पे व्यू चेक करें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और बड़ा ये देखें, यहाँ पे जी गरम गरम खाना बन रहा है, बारबेक्यू चल रहा है, ये देखें सीख कबाब बन रहे हैं और कढ़ाइयाँ बन रही हैं। ये शेफ़ लगे हुए हैं फुल जोश खरोश से। और इनका मैं आपको बताती हूँ ना, मैं जिस भी जगह पे करती हूँ ना, तो मुझे मैं ज़रा किचन ज़्यादा देखती हूँ। और इनका भी किचन जो है वो बहुत साफ़ था, बहुत साफ़ था। ये सेकंड किचन है जो मुझे साफ़ सुथरा लगा। एक आपको मैंने दिखाया था एक ब्लॉग पिछला मेरा रिवॉल्विंग जो था, उसका भी किचन बहुत साफ था। और यहाँ पे इनका किचन भी मैंने तो अंदर तक देखा, सब साफ सुथरा, बड़ा नीट था ना। तो ये देखिए जी, रात का ये बाहर का व्यू आप, आपने अभी म्यूज़िक सुना, सॉन्ग सुना यहाँ पे। तो जी, यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, फैमिली डिनर था, हम इनवाइटेड थे, तो हम लोग यहाँ पे थे। और यहाँ का खाना, खाने में आपको सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसमें कढ़ाई थी और राइस थे, अफ़गानी पुलाव जिसको कहते हैं वो था, बारबेक्यू था, रशियन सैलड था, नान थे, फिर मिक्स वेजिटेबल्स भी थी, और इसी तरह सलाद और चटनी जो होती है, इसी तरह ये खाना आप चेक करें। इतना यम खाना था, इनकी कढ़ाई बहुत मज़े की थी, कढ़ाई बहुत ही मज़े की थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बाकी चीज़ें अच्छी थी, कबाब वगैरह भी, बारबेक्यू भी बड़ा सॉफ्ट सा बना हुआ था, बड़ा मज़े का लजीज खाना था जी। तो ये मैंने बनाई अपनी प्लेट, और इसमें मैंने थोड़े से राइस डाले। और क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर वही बात होती है कि क्या खाएं समझ ही नहीं आती, तो इसलिए फिर सारी चीज़ें ट्राई करनी भी ज़रूरी होती हैं। इसी तरह फिर मैंने थोड़ी कढ़ाई डाली, और फिर मैंने राइस डाले, और इसके बाद ना ये इतने कोई मज़े के लग रहे थे। इसके बाद फिर मैंने सीख कबाब भी ट्राई किए, सीख कबाब भी बहुत अच्छे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी थी ना, वो इनकी कढ़ाई थी। कढ़ाई बहुत ही टेस्टी थी ना, उसके मसाले में इतना जायका था, ग्रेवी उसकी बड़ी ही अच्छी बनी हुई थी। और बाकी कबाब भी अच्छे थे, सॉफ्ट बने हुए थे। इसी तरह इनका रशियन सैलड भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे ना कढ़ाई लगी थी। हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी ना आपको खाने का, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छा, इनकी वेजिटेबल्स मिक्स वो भी मैंने ट्राई की है, देखें ये भी मज़ेदार बनी हुई थी, बिल्कुल खड़ी खड़ी सी, और मतलब अच्छी बनी हुई थी। तो खाना जी, यहाँ के मेस का खाना बहुत अच्छा होता है, फिर फौजियों का खाना हो तो आपको पता है। और बड़ा यहाँ पे ना माहौल भी बड़ा पीसफुल था, बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ पे। और यहाँ पे बर्थडेज भी हो रही थी, हमें पीछे से आवाज़ें आ रही थी, जो दूसरा हॉल था वहाँ पे बर्थडे पार्टीज चल रही थी। इसी तरह लोग आए हुए थे, डिनर्स चल रहे थे, और मतलब बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था, आवाज़ें हमें आ रही थी साथ साथ, तो वो इसलिए वॉइस ओवर करती हूँ, वरना इतना शोर होता है, मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही होती है, तो वो फिर कानों को अच्छा नहीं लगता।
इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर करना मुनासिब समझा। फिर जी इसके बाद आ गई थी खीर, और ये भी इतनी कोई अच्छी लग रही थी कि वो ट्रेडिशनल स्टाइल में ना ये मिट्टी की इनमें ना उन्होंने सर्व की, और इसके साथ फिर आइसक्रीम भी थी। वो हम लोगों ने, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले आपको खीर बताऊँ। खीर भी अच्छी थी, मुझे मीठा पसंद नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मुझे खाना पड़ता है। तो फिर जी ये हम नीचे आ गए, यहाँ पे फिर म्यूज़िक भी चल रहा था। बड़े है मेरी ये दुआ, ये सॉन्ग मैंने आपकी फैमिली के लिए किया है, आप सब दोस्तों के लिए। सब इतना अच्छा सॉन्ग गा रहे थे, पर कॉपीराइट का इशू होता ना, वरना मैं आपको पूरा सॉन्ग इनका सुनाती। बीच में वो मजबूरन म्यूज़िक लगाना पड़ा। चलें जी, खाने के बाद, मीठे के बाद हम लोग यहाँ पे आए। पान, ये पान सर्व कर रहे थे, और फिर है मैंने तो पान नहीं खाया, कुछ लोगों ने खाया। और यहाँ पे आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स थे, और इतनी यम आइसक्रीम थी, आप देख रहे हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, चॉकलेट चिप, कुल्फा, सब फ्लेवर्स थे इनके पास, और बहुत यम आइसक्रीम थी। और जिस फैमिली ने, जिन्होंने हमें इनवाइट किया डिनर पे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।